गोवर्धन यादव जी, प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में 100 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ है। यह खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता ने दस्तावेजों के साथ किया है। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा है कि घोटाला उजागर होने के बाद जांच में लीपापोती करके दोषियों को बख्श दिया गया। निराश्रित, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की राशि पर अधिकारियों ने डकैती की है। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। प्रदेश में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चरम पर है। हाल ही में समाज कल्याण विभाग पर करोड़ों के कमीशनखोरी करने, उसे भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। आरोप करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह के इसमें घोटाला हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये अब 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला का आरोप लगा रहे हैं, किस मत का है और इसको कैसे अंजाम दिया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि आरोप नहीं है, मामला पूरी तरह सिद्ध है। और ये मामला जब है सोशल ऑडिट होता है, उसमें पकड़ में आता है और हमारे पास पूरी आरटीआई रिपोर्ट है, हमारे पास पूरे दस्तावेज है कि किस प्रकार से 109 करोड़ के घोटाले का जो है अंजाम दिया जाता है और किस प्रकार से जो वृद्ध जन है उनकी पेंशन को लूटा जाता है। देखिए, काल्पनिक जो हितग्राही उनको बता के पेंशन निकाल ली जाती है, जो मृत हितग्राही उनको बताकर पेंशन निकाल ली जाती है। फर्जी एनजीओ बना के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सीनियर आईएएस हैं, फर्जी एनजीओ बना के अरबों रुपए डकार जाते हैं। तो देखिए, मामला अपने आप में सिद्ध है, इसमें आरोप नहीं। और हमारा तो यह मांग है कि जो दोषी अफसर हैं, दोषी जो ब्यूरोक्रेसी है, दोषी जो आईएएस हैं, उनको इस पूरे मामले पे जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसको लेकर हमने पीएम से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक शिकायत की है और ऐसा लगता है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिन्होंने छत्तीसगढ़ की विधवाओं को लूटा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के वृद्धजनों को लूटा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के दिव्यांग बच्चों तक को लूट लिया, ऐसे लोगों को छोड़ा जाना कहीं से भी उचित नहीं है। एक घोटाला तो उजागर किया है, लेकिन इसमें जांच भी हुई, जांच में दोषियों को बख्श भी दिया गया। तो अब इस तरह देख सकते हैं कि कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने वालों को प्रदेश में किस तरह से बोलबाला है और अधिकारी किस तरह के इसको सह देख रहे हैं। अब देखना ही होगा कि इस पर सरकार, जिन पर ये सामाजिक कार्यकर्ता उम्मीद जता रहे हैं, वो इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। रायपुर से रेखराम के साथ सत्या राजपूत। भोपाल में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती।